हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नस्य, जिसको हम जो है वो दो वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नस्य है, उसकी निरुक्ति क्या है। जो नस्य है वो नस धातु से बना है, और इसकी निष्पत्ति बताते हुए आचार्य जो अरुण दत्त है वो भी बताते हैं नासायाम भवम नस्यम, यानी जो नासा से दिया जाता है उसको नस्य बोलते हैं। या भाप्रकाश बोलते हैं नासा ग्रहयम औषधम, यानी जो नासा से औषध जब ग्रहण की जाती है वो नस्य है। इसकी परिभाषा क्या है नस्य की, औषधम औषध सिद्ध स्नेहो वा, मतलब या तो औषध या औषध से सिद्ध स्नेह। नासिका भ्याम दीयते, यानी जब नासिका से दिया जाता है उसे हम नस्य कहते हैं। या इसके अलावा औषध द्रव्य है या सूक्ष्म चूर्ण है या द्रव रूप में किसी भी औषध का नासा के जो रंध्र है उनसे सुंघाया टपकाया जाना जो है वो नस्य कहलाता है। क्यों नस्य हम देते हैं, जैसे नासा के लिए बोला गया है नासा ही सिरसो द्वारम, यानी जो नासा है वो सिर का द्वार है। और हमें जैसे पता है जो सिर है वो हमारी सारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनका पॉइंट है, यानी वहीं से वो शुरू होती है, वहीं से तर्पण होता है उनका, वहीं से उनका जो काम है वो सिर से ही चल रहा है। तो जब नासा सिर का द्वार है, यानी जो हम नासा से औषध देंगे वो क्या करेगी, सिर में व्याप्त हो जाएगी, और सभी सिर में व्याप्त होने के बाद जो ऊर्जा जो भी विकार है उनमें तो लाभदायक होती होती है, इसके साथ साथ ये पूरे शरीर में भी व्याप्त हो जाती है औषध। ठीक है, फिर आता है जो नस्य, उसके पर्याय क्या है, मूर्ध विरेचन बोलते हैं, नावन कहते हैं, नस्त कर्म, शिरो विरेचन या शिरो विरेक। जो हमारा अभी हमने बताया है कि नासा ही सिरसो द्वारम, ये हमारे जो आचार्य वाग्भट है वो बोलते हैं, और आचार्य चरक बोलते हैं द्वारम ही सिरसो नासा, मतलब कहने का अर्थ वही है, थोड़ा उल्ट फेर करके बता दिया सिर्फ। फिर उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस क्या है नस्य की, क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट इसकी सिग्निफिकेंस में हम पढ़ते हैं कार्य क्षमता, यानी ये क्या क्या कार्य कर सकता है नस्य। तो जो नस्य है वो स्नेहन का भी काम करता है, क्योंकि हम इसमें स्नेह का भी यूज कर रहे हैं। ये शोधन का भी काम करता है, स्तंभन का भी काम करता है, तर्पण का काम करता है, शमन का काम कर सकता है, ब्रीहण का काम कर सकता है, और संज्ञा प्रबोधन, मतलब इसका जो एरिया है कार्य करने वो कितना ज्यादा, कितने रूप में आप इसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले इसका कार्य क्षमता। दूसरा आता है जो प्राणवायु श्रोतस है उसके भी अवरोध को ये दूर करता है। कैसे दूर करता है, जो हमारा प्राणवायु श्रोतस है अगर वो कफ की वजह से अवरुद्ध हो गया है तो नस्य क्या करता है, उसको लिक्विड फॉर्म में करके उस कफ को नासा द्वार से बाहर निकाल देता है, जिससे जो प्राणवायु श्रोतस है उसका अवरोध भी दूर होता है, सिर में जो सर्कुलेशन है ब्लड सर्कुलेशन वो बढ़ जाता है, और प्राणवायु श्रोतस भी जो है वो क्लीन हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड इम्पोर्टेंस है। थर्ड क्या है इसका, ये क्या करता है, ऊर्जत्रुगत रोगों में उपयोगी, यानी नेत्र कर्ण नासिका आदि के रोगों का शमन करता है, बालों का झड़ना या बालों का सफेद होना, मन्या स्तंभ अर्पित आदि विकार जो ऊर्जत्रुगत विकार है उनका शमन करता है। ठीक है, फिर आता है कफ मलादि के निष्कासन में उपयोगी है, कफ है या चाहे जो मल है हमारा उसके निष्कासन में उपयोगी है, नासागत संकोच को दूर करता है, श्वास नलिका है उसके उसको जो है वो विस्फारक प्रभाव होता है, यानी डायलेट कर देता है उसको, जिससे जो है वो कफ है या कोई भी मल जो अंदर फंसा हुआ है अवरोध कर रखा है जिसने वो बाहर निकल जाता है। फिर आता है हमारे जो वात आदि दोष है उनका शमन करता है, जैसे अवबाहुक हो गया या ग्रीवा स्तंभ ये विकार है, ये वात व्याधि है इनमें यूज होता है, कफज रोग है उनमें भी लाभदायक होता है, ब्रीहण शमन शोधन आदि तीनों कार्य करने वाला होता है। फिर आता है ये हमारी इंद्रियों को बल देने का काम करता है, क्या बोलते हैं नासा ही सिरसो द्वारम, सिर जो है वो हमारी सभी इंद्रियों का पॉइंट है, वहीं से वो तर्पित होती है, वहीं से कार्य करती है। तो जो नस्य से जो हम भी औषध देंगे वो जो इंद्रियां हैं हमारी उनको भी बल देने वाला होगा, स्वर को स्निग्ध करेगा, स्थिर करेगा, गंभीर करेगा, मुखमंडल पर प्रसन्नता आती है, वृद्धावस्था देरी से आती है, और जो हमारी उत्तमांग अवस्था है उसको भी सुव्यवस्थित करता है। ठीक है, यानी सिर के विकारों को नष्ट करने में भी बहुत हेल्पफुल है। फिर आते हैं हमारे इसकी योग्य और अयोग्य, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अयोग्य, यानी किनको नस्य हमें नहीं कराना। जो अजीर्ण का रोगी है, भुक्त भक्त जिसने अभी अभी खाना खाया है, पीत स्नेह स्नेह जिसने पिया है, मद तोये पातु कामा यानी मद तोये जिसने अभी पिया है, या स्नान करने की इच्छा है जिसको, या सिर से स्नान किया हुआ पेशेंट है वो, भूख या तृष्णा से पीड़ित है जो,
शस्त्र दंड से हत है, व्याम से हत है, वैवाय से इन नवज्वर का रोगी है, शोक है, अभितप्त है, जो जिसको विरेचन अभी करवाया, अनुवासन अभी करवाया है, गर्भिणी है, जिसको नव प्रतिशाय है, दुर्दिन है, तो हमें उस टाइम में उस पेशेंट को नस्य नहीं देना। फिर आते हैं हमारे योग्य कौन है, यानी किनको हम नस्य दे सकते हैं। तो हमने जैसे डिस्कस किया शूर जंतुगत विकार, यानी जैसे हमारे शिरो विकार है, दंतगत विकार है, मन्या स्तंभ है, हनुग्रह है, गल ग्रह है, पीनस, गल शुंडिका, गल शालु, शुक्र है, यानी जो नेत्र में हम पढ़ते हैं शुक्र, यानी शुक्ल गत रोग में तिमिर है, वर्तमगत रोग है, व्यंग है, उपजीविका, अर्धा उपेदक, नासिका, कर्ण रोग, कपालगत रोग, अर्दित है, अपतंत्रक, अपतानक, दंत शूल, दंत हर्ष, अर्बुद है, स्वर भेद है, गदगद, यानी जो वाक ग्रह हो जाता है, यानी स्वर भेद है अगर पेशेंट को, या फिर गदगद वो साउंड करता है। उर जत्रुगत जो भी विकार है वात आदि के, उनमें हमारा जो उनका अगर कोई रोगी है तो वो नस्य के योग्य है। फिर उसके बाद आते हैं इसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे टाइप्स में सबसे पहले जो आचार्य चरक है उन्होंने ये पांच प्रकार का बताया, कौन कौन से, जैसे नावन है, अवपीड, धूम, धमापन और हमारा प्रतिमर्श, ये इसके पांच टाइप बताए। फिर इनके भी जो नावन है वो भी दो तरह का होता है, स्नेहन जो करता है और शोधन करता है। अवपीड हमारा दो तरीके का होता है, शोधन और स्तंभन करने वाला। धूम हमारा जो धूमपान के भेद है उसके अकॉर्डिंग है, प्रायोगिक है, स्नेही का या विरेचनिक है। धमापन हमारा एक ही प्रकार का है। मर्श भी हमारा स्नेही की या विरेचनिक, दो तरीके से। जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने हमारे जो नस्य है उसके दो भेद भी बताए और पांच प्रकार से भी बताया है, ठीक है। दो भेद बताते उन्होंने कहा है कि शिरो विरेचन होता है और स्नेहन होता है। इसके अलावा उन्होंने पांच प्रकार बताए, नस्य, शिरो विरेचन, प्रतिमर्श, अपीड और प्रधमन। फिर इसके अलावा जो आचार्य बागभट है उन्होंने तीन प्रकार का बताया। तो आचार्य बागभट का याद रखने के लिए आप याद रखना VBS, यानी विरेचन, ब्रहण और शमन, ठीक है। आचार्य जो काश्यप है उन्होंने दो प्रकार का बताया है, ब्रहण और कर्षण। आचार्य षडंगर ने भी विरेचन और स्नेहन बताया है। कारमुक्ता के आधार पर हमारे पास तीन प्रकार का जो है वो नस्य होता है, RTS, यानी रेचन, दर्पण और शमन जो करने वाला था, ये कारमुक्ता के आधार पर है। फिर आश्रय भेद से हमारे पास सात प्रकार का नस्य होता है, मतलब किसी भी हम जैसे हमने यहाँ जो हमारी औषध यूज कर रहे हैं, तो जो औषध है यानी प्लांट है उसका क्या पार्ट यूज कर रहे हैं, आश्रय भेद से सात प्रकार का। जैसे अगर हम फल यूज कर रहे हैं किसी का नस्य के रूप में, तो यानी फल का चूर्ण बनाएंगे ना, तो अपमार्ग है, विडंग है, पिपली, मरीच, शिग्रु है, इनका हम फल यूज करते हैं। पत्र जैसे तुलसी, सप्तपर्ण, तालिश पत्र, इनका पत्र यूज करेंगे। मूल में अर्क है, ब्राह्मी है, अत्सी है, भारंगी है इनका। कंद में हरिद्रा, सौंठ, मूली, लहसुन। पुष्प में लौद्र, मदन फल, निम्ब, अलर्क आदि। निर्यास में हिंगू, सरल, शल्य की। त्वचा में गुड़ुची, दालचीनी, इंगूदी, शोभांजन आदि जो है वो ये आश्रय है, यानी हम प्लांट का क्या पार्ट यूज कर रहे हैं। फिर इनका वो पार्ट लेके हम उसको कल्प के रूप में भी, स्वर, चूर्ण आदि, घृत, तेल आदि में सिद्ध करके किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इनके जो ये भेद हैं इनका विवेचन करेंगे, यानी इनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है नावन। नावन क्या होता है, रुई के फोहे को स्नेह में डुबाकर या फिर ड्रॉपर के द्वारा या जो नस्यदान दीपक आता है उसके द्वारा नासिका के छिद्रों में उस स्नेह को टपकाना हमारा नावन है। नावन जैसा हमने बताया था दो तरीके से होता है, स्नेहन और शोध, ठीक है। स्नेहन में क्या करते हैं हम, स्नेह का प्रयोग करते हैं, तो सबसे उत्तम मात्रा 32 बूंद, मध्यम मात्रा 16 बूंद और हीन मात्रा 8 बूंद होती है इसकी, ठीक है। ये हम किसमें यूज करें, जब वात व्याधियां उनमें करते हैं, और उर जंतुगण जो अवयव है उनको बल देने के लिए हम स्नेहन नस्य का प्रयोग करते हैं। फिर बात आती है शोधन नस्य की। शोधन के लिए उत्तम मात्रा 8 बूंद, मध्यम मात्रा 6 बूंद और हीन मात्रा जो होती है वो 4 बूंद होती है। इसका प्रयोग हम जो कफ प्रधान रोग है उनमें करते हैं शोधन का। फिर आते हैं अवपीड। अवपीड के लिए हमने जैसा बताया था, अवपीड नस्य क्या होता है, जिसमें हम औषधियों का कल्क लेते हैं और उसको निचोड़कर उसका जो
निचोड़कर जो रस निकलता है उसको हम नासिका में डालते हैं, वो हमारा पीड नस्य होता है। ये हमारा जो है वो दो तरीके से होता है, जैसा हमने बताया शोधन और स्तंभन। और पीड नस्य की जो मात्रा है वो उत्तम मात्रा 8 बूंद है, मध्यम 6 बूंद, हीन जो है वो 4 बूंद बताई गई है। अब आते हैं जो शोधन हम पीड नस्य यूज कर रहे हैं, वो हम मूर्छा सर्प दंश में या सिर में अगर कफ भरा है तो उसके लिए यूज करते हैं। स्तंभन, जैसा नाम से पता चल रहा है, स्तंभन यानी रोक देगा किसी चीज को। जो हम रक्त पित्त का पेशेंट है उसमें हम यूज करते हैं, जैसे दूर्वा स्वरस दुग्ध से या इक्षु रस डालते हैं। फिर आता है जो हमारा धमापन होता है, धमापन के बारे में ये एक शोधन नस्य है। इसमें हम 6 अंगुल की लंबी जो नली है वो लेते हैं, दोनों साइड जैसे ये 6 अंगुल लंबी है, इसमें दोनों तरफ 6 है, इसके बीच में नस्य रखते हैं और ये एरिया बिल्कुल नाक के पास रखेंगे पेशेंट के, और इस साइड से हम जो वो फूंक देंगे, यानी फूंक मारेंगे तो वो जो जोड़ है वो अंदर चला जाएगा। 3 चुटकी भर इसका यूज करते हैं। प्रयोग जैसे चित्त विकार, उन्माद, अपस्मार, विष से पीड़ित है तो उसमें धमापन नस्य का प्रयोग करते हैं। धूम नस्य में क्या होगा, औषध सिद्ध जो धूम है वो जब नासिका से खींचा जाता है वो धूम नस्य हमारा। ये 3 प्रकार का है, जैसा हमने बताया प्रायोगिक है, स्नेहिक है, विरेचनिक है। तो पीनस हो गया, नासावरोध उसमें यूज करते हैं। फिर आता है हमारा प्रतिमर्श। प्रतिमर्श में क्या होता है, जो हमारी अंगुली होती है तर्जनी उसको हम स्नेह में डुबोते हैं और डुबोकर उठाने के बाद जितनी भी बूंदे नासिका में गिरती है वो हमारा प्रतिमर्श नस्य है। इसमें स्नेह की मात्रा 2 बूंद है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखना। प्रतिमर्श में जो हमारी मात्रा है स्नेह की वो 2 बूंद होती है। इसका जो है वो जन्म से मृत्यु तक 7 में बताया, मतलब हम जन्म से भी इसको यूज कर सकते हैं। आचार्य सुश्रुत ने इसके 14 काल बताए, आचार्य भागवत ने इसके 15 काल बताए हैं। फिर इसके अलावा भेद एक और है मर्श नस्य। मर्श नस्य में क्या होगा कि तर्जनी उंगली को 2 पर्वों तक डुबोकर जितनी स्नेह की बूंद गिरती है वो मर्श नस्य है। इसमें उत्तम मात्रा हमारी 10 बूंद है, मध्यम 8 और हीन मात्रा 6 बूंद है। प्रतिमर्श और मर्श में डिफरेंस क्या है, जो प्रतिमर्श होता है जैसा हमने बताया ये जन्म से 7 में है तो ये दोष और व्यापद नहीं करता, इससे कोई भी दोष या व्यापद हो सकते हैं। इसकी मात्रा 2 बूंद है, इसकी मात्रा 8 बूंद, सॉरी 10 बूंद, 8 बूंद और 6 बूंद है। ये सभी काल सभी ऋतुओं में दे सकते हैं हम, ये काल अनुसार ही प्रयोग करना है हमें। किसी भी आयु में हम प्रतिमर्श नस्य ले सकते हैं, लेकिन ये आयु के अकॉर्डिंग, यानी जो अति वृद्ध है या बालक है उसको हम मर्श नस्य नहीं दे सकते। इसमें स्नेह की मात्रा बहुत अल्प है, जैसे 2 बूंद है। मर्श नस्य में स्नेह की मात्रा हमने 10, 8 और 6 बूंद पड़ी है, तो यानी स्नेह की मात्रा ज्यादा है इसमें। ये धीरे धीरे कार्य करेगा, ऑब्वियसली जो स्नेह की मात्रा है वो 2 बूंद है, कम है तो ये धीरे कार्य करेगा, ये शीघ्रता से कार्य करता है। ये अल्प गुणकारी है क्योंकि मात्रा कम है, तो जितना मात्रा होगी उतने ही गुणों वाला होगा, तो ये ज्यादा गुणकारी है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, ये नस्य के हमने जो इंट्रोडक्शन है किस तरीके का होता है, किसको हम क्या बोलते हैं, ये पढ़ा है। अब अगर हमें एग्जाम में आ जाता है अगर हमें कि नस्य की विधि लिखनी है तो उसमें हमें क्या है, सबसे पहले नस्य की जो डेफिनेशन का हमने श्लोक बताया वो लिखने के बाद, फिर उसके योग्य अयोग्य और इसके टाइप्स की टेबल बनाने के बाद आप इसके सीधे ही पूर्व कर्म, प्रधान और पश्चात कर्म को स्टार्ट कर सकते हो। उसमें पर्याय, इम्पोर्टेंस आदि को बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नस्य की जो संपूर्ण विधि है वो कैसे करनी है।